आज है संडे और टाइम हो रहा है 7:03, संडे 7 की जो सीरीज है उसमें हम आपके लिए आर्टिस्ट लेके आते हैं, लोकल आर्टिस्ट जो अपने ओरिजिनल क्रिएशंस बनाते हैं। सुना लागे जीवन सारा बलम जी मारा दूर देश गया ओ मोरे सावरिया हो गई मैं बावरिया तोरे बिन रात दिन बिरहा के अगर जराए। हाँ, दिस इज़ आवर ओरिजिनल मोरे सावरिया। दिस हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली। दिस इज़ आवर डेब्यू सॉन्ग और दिस इज़ इट, वर्किंग ऑन फ्यू मोर्स। क्या क्या इंस्पिरेशन थी आपके इस गाने की? इस गाने की इंस्पिरेशन है सच कुछ खास नहीं रही है, मतलब आई रोट दिस सॉन्ग इन 2.5 मिनट्स। ओके, टू एंड मैंने हाफ ढाई मिनट्स मिनट में ये गाने जी मैंने 2.5 मिनट में ये गाना लिखा था। सो व्हेन आई टॉक अबाउट आप, हमने जब जर्नी शुरू की थी तो वी वेर एमलेस। हम जो है अपनी जॉब से 2 दिन की छुट्टी पाते थे तो हम 4 घंटे जैमिंग करते थे अपने हफ्ते भर की फ्रस्ट्रेशन निकालने। सो वी वेर एमलेस, बट देन हमने लिखना शुरू किया, बनाना शुरू किया। सो जिसे भी सुनाया लोगों को अच्छा लगा, सो दे पुश्ड अस कि नहीं, लेट्स डू इट दिस वे, तुम अपना रिलीज करो, इट्स गुड। जहां तक गाने लिखने की बात है तो वी जनरली पिक इट फ्रॉम आवर डेली लाइफ कि हम रोज अपनी रोजाना की जिंदगी में क्या करते हैं। लेट्स से इफ आई वाज व्हेन आई वाज अ टीनेजर व्हेन आई वाज इनटू कॉलेज, हाउ डू आई यूज्ड टू स्टॉक अ गर्ल, मुझे पसंद थी, मैं उसे देख रहा हूँ, एंड व्हाट एल्स आई यूज्ड टू डू। तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, हम लाइंस वहां से निकालते हैं। सो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर अदर पीपल टू कनेक्ट कि अच्छा ये चीज तो मैंने भी की थी अपने वक्त में। हम 4 बंदे हैं जिनमें से 3 वर्किंग हैं। आई वर्क विद एंटिटी डेटा, मेरे जो सबसे सीनियर हैं दादा, जिन्हें जो हमारे गिटारिस्ट हैं विक्रम शाह, ही वर्क्स विद टीसीएस। आशु वर्क्स विद, आशु इज अ स्टूडेंट और शाहरुख वर्क्स विद कंसेंट्रेट। तो हम सारे वर्किंग हैं, बस हमें जो 2 दिन का वीक ऑफ मिलता है हम उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते थे कि ठीक है, म्यूजिक इज वॉट कीप्स अस अलाइव वाला सीन है हमारे लिए, ब्रीदर। हाँ, मैं तो मतलब थैंक यू, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आपने सीखा नहीं है कहीं से, मैं कुछ सोचने पे दिमाग। मैं मरहूम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ हिम, तो मैं उनको सुनता हूँ एंड आई ट्राई टू ग्रैस्प एज मच एज आई कैन। सो ही हैज बीन माय इंस्पिरेशन फॉर वेरी लॉन्ग नाउ, एंड अफसोस होता है कि वो बहुत जल्दी चले गए। देखिए, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज गाना हर कोई गा सकता है। रीजन बीइंग, हर किसी का अपना वॉइस टेक्सचर होता है। इट्स ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी आवाज में क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। एंड म्यूजिक हमारे डे टू डे लाइफ में है। सो इफ यू आर थिंकिंग कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट शायद वर्ड एंड स्टार्ट डूइंग इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। हर किसी का अपना जॉनर होता है, हर किसी का अपना हुनर होता है। मुझे पर्सनली सूफी पसंद है, शाहरुख को बॉलीवुड पसंद है, दादा वेस्टर्न ब्लूज बहुत अच्छा गाते हैं, और आशु को सब कुछ पसंद है। So we all come from different genre, or most of the time we are into fusion and all. मेरे साथ problem ये थी, मैं गाने लिखता था और उन्हें रख लेता था, किसी को सुनाता नहीं था। अगर वैसे देखा जाए तो I have 10-12 originals ready, so वो back to back आने वाले हैं। और अगर मेरी बात कीजिए तो एनी टाइम एंड एवरी टाइम व्हेन आई फील लो और व्हेन आई एम डिप्रेस्ड और मेरे कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं व्हिच आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल, सो आई जस्ट सिंपली राइट इट डाउन ऑन द पेपर। द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन समवन कि नहीं तुम ये सोच रहे थे या तुम्हें किसी तरह का जस्टिफिकेशन देना है, तुमने खामोशी से पेपर पे लिख दिया, तुम्हारे इमोशंस भी बाहर आ गए एंड यू क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ इट। आप लिखते हो बहुत अच्छी बात है, ट्राई टू कंपोज इट, इफ यू कैन नॉट कंपोज इट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर गुड कंपोजर्स, उनसे मिलिए, उनसे बोलिए कि आपके क्रिएशंस को कंपोज करें। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इन इज कि जो आप कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू स्टार्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप जब तक यकीन नहीं करोगे अपने ऊपर, दूसरा कभी नहीं करेगा।